हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राज्य लिप्सा का अर्थ होता है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरे सब कुछ है। जैसे एग्जांपल दिया था आपको, एक बार बोला था ना, इतना कष्ट हो रहा है भगवत, यहाँ तो मायापुर में आ जाइए, मंथली तो 17-18 हजार रुपया मिल रहा है, तो घर भाड़ा मिलेगा 3 हजार, आपका खाना वाना खर्च होगा 4 हजार 7 हजार, तो आराम से यहाँ पे मायापुर धाम में रहेंगे, भजन साधन करेंगे, क्या माया के संसार में पड़े रहेंगे। लेकिन आप क्या बोले थे, नहीं प्रभु मेरी बेटी लोग नहीं मानेंगे। तो ये बोलते है गिरिया लिप्सा, इसको बोलते गिरिया लिप्सा। एक राज्य लिप्सा होता है, एक गिरिया लिप्सा होता है, ठीक है। तो खैर अभी आपको छोड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी अभी बेटी बेटा सभी भक्त बन गए। एक्चुअली घर परिवार कब छोड़ना होता है, जब घर में प्रतिकूल परिवेश आए। लेकिन घर में ही अगर आपका सुंदर कृष्ण भजन हो, है ना, जैसे पहले पहले विभा माता जी से जो बात होता था लक्ष्मी से, माता जी मैं भी चाहती थी कि वृंदावन धाम में जाके सन्यासिनी जैसा कोई ये बनू, लेकिन क्या करे, भूमिका है, मेरी बेटी मेरा बेटा है, मेरे पति है, लेकिन इन लोगों को तो ये मेरे पहले ही इन लोगों को छोड़ के कैसे जाया जा सकता है। लेकिन अभी माता जी कैसे जाएंगे, जिनके घर में युधिष्ठिर जैसे महाराज कथा सुनता है, इतना सुंदर प्रवचन बैठता है, तो घर छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले है? कि जिस दिन गिरिये भजन देखी गिरिये ते गोलोक भाई, जिस दिन मैं घर में भजन देखा हूं, भजन मतलब भक्ति, उस दिन घर में ही मुझे वैकुंठ नजर आया, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे। तो ये चीज अगर घर में होता है तो कहीं पर जाने का जरूरत ही नहीं है ना। हाँ प्राणमोहन प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे थे? आनंद किशोरी माता जी आपका प्रश्न का जवाब मिल गया माता। राजलिप्सा का अर्थ होता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे उसको छोड़कर नहीं रहना है। हाँ प्राणमोहन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे प्रभु? नहीं प्रभु। अच्छा ठीक है, तो राजलिप्सा तो अल्टीमेटली हम लोग को इसी प्रकार आगे बढ़ना है। ये प्रश्न करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, आप लोग को पता नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए मुरारी एक साथ में 5 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन किए, हमारे दिमाग में 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो 6 क्वेश्चन कर दिए लगातार कंटिन्यू, और उत्तर देने वाला भी वैसे ही 1 मिनट में 1-1 करके उत्तर दे ही रहे। एक और बताइए प्रभु जी, हाँ? ये है नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी के क्या मतलब प्रतिद्वंदी जी? हाँ प्रतिद्वंदी मतलब वो झारखंड सरकार बिहार सरकार, अरे झारखंड में अर्जुन मुंडा को लेकर, बिहार सरकार में नीतीश भारद्वाज, नहीं क्या क्या मुख्यमंत्री का, बिहार का मुख्यमंत्री का क्या नाम है, बिहार का मुख्यमंत्री का क्या नाम है प्रभु जी? वही नीतीश कुमार। यस यस, तो वो सोचेंगे अरे मुझे तो अपने राज्य से मतलब है, दूसरे के राज्य से, छत्तीसगढ़ का रमन मुखर्जी या रमन महर्षि, क्या रमन रमन क्या माता जी सिंह? हाँ रमन सिंह। हाँ रमन सिंह क्या कर रहे, उससे क्या मतलब है, वो देखेंगे। दुर्ग भिलाई रायपुर बिलासपुर जगदलपुर जबलपुर जो जो देखना वो देखेंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे अपने राज्य को देखना है। बल्कि उसमें बिजली ना जाए, मेरा यहाँ पे बिजली हो, वो उधर के राज्य से इधर आए। ये प्रतिद्वंदी का मतलब होता है
कॉम्पिटिटर्स, जो कंपटीशन लेता है एक दूसरे का, कॉम्पिटिटर प्रतिद्वंदी। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन करने से सच में मैं बता रहा हूँ ज्ञान बढ़ता है। आप लोग जब भी लज्जा करके या कुछ माइंड में नहीं आता तो क्या करें, वो अलग मैटर है, लेकिन छोटे छोटे बातों बातों में ही तो बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करने के लिए मुझे कोई ऑथराइज चीज को स्मरण करना है, वो छोटी छोटी बात जिससे प्रश्न बन जाता है। विभिन्न प्रकार का प्रश्न होता है, प्रभु जी सर्दी गर्मी क्यों होता है, सिर्फ सर्दी क्यों नहीं है, या सर्दी में सिर्फ गर्मी क्यों नहीं, विभिन्न तरह का प्रश्न, प्रश्न का भरा हुआ है। अगर अच्छा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, एक बात और पहले से हम सोच रहे थे, भीष्म देव के मतलब पूरा परिवार पांडवों के कुरु वंश क्यों कहा गया है, कुरु वंश? कुरु जो राजा, कुरु जो राजा है ना भूतकाल के राजा, तो कुरु राजा के द्वारा ये पूरा वंश चला है, जदु वंश, कुरु वंश, रघु वंश, तो ये वहां से वंश चालू हुआ है, इसीलिए इसको कुरु वंश कहा जाता है, कुरु वंश कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर में मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरे गुरु महाराज बोलते थे क्वेश्चन आंसर इज रियल भागवतम क्लास, जो उत्तर देने वाला है वो भी अच्छा फील करता है, जो श्रोता है उसको भी ज्ञान मिलता है और वो चीज याद रहता है ना। जैसे एक बार विवाह माता जी को पूछे थे, क्या माता जी जो माताजियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, माताजियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो उस समय विवाहता जी उसका उत्तर दिए थे। वो कैसे उत्तर दिए, बोले कि एक बार हम लोग हरिद्वार गए गायत्री परिवार की तरफ से, तो हरिद्वार में वो कोडकी कुंड या क्या कुंड है जो जहाँ पे स्नान करने के बाद जो मतलब हरकी पैड़ी, हरकी पैड़ी, यस यस, वो साधु संतों को मतलब हाँ पूछे थे, तो माता जी ने पूछा था कि ये जो माता जी लोग दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करते, तो उस समय माता जी एग्जाम्पल दिए थे कि धरती माता चार चीज सहन नहीं कर सकते अपने, हाँ क्या क्या माता जी फिर से एक बार रिमाइंड कर दीजिए, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है वो तो, हाँ बताइए माता। स्पीड शंखमाला, शंखमाला ब्राह्मण की बुदा और अस्तर, हाँ ब्राह्मण का बोझ, इसीलिए ब्राह्मण को जब कहीं पर बैठने दिया जाता है तो उसको आसन दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जहाँ पे बैठ जाता है धरती माता वो सहन नहीं कर सकती, पहला वो, दूसरा शंख, शंख को भी नीचे नहीं रखा, नहीं रखा जाता, उसके लिए भी एक आसन चाहिए, दूसरा है स्त्री का स्तर, स्तन वो जमीन पे नहीं पड़ना चाहिए, धरती माता सहन नहीं कर पाता, और क्या है, और जप माला, ये चार चीज जो धरती जप माला के भी नीचे नहीं रखना चाहिए, नहीं ये चार चीज नीचे रखना नहीं चाहिए, इसीलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पर्श होता है धरती माता के, ठीक है। इस तरह प्रश्न किया था माता जी तब तो याद है, तो प्रश्न करने से याद है, जैसे अभी सारी माता ये हमारे प्रमोद प्रभु जी सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन गंगा गोमुख से गंगा और गटर का गंगा में उसको सारा जीवन भर याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है, तो यही है। तो चलिए, और तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, हम लोग वांछा का पुत्र करेंगे। और तो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये जप माला जो किया जाता है तो बेड पे तो बैठ के जप माला कर सकते हैं, और जप माला को बेड पे तो रख सकते हैं, पेड़ में, बेड में, बेड, इंग्लिश में क्यों बोलते रहे बाबा, इंग्लिश वाली हो गई मेरी माता, बिस्तर, बिस्तर, हाँ बिस्तर, हाँ बिस्तर बोल, बिस्तर पर तो रख सकते हैं, अब समय नहीं, एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए
वो देशकाल परिस्थिति एक दो मिनट के लिए रखा जा सकता है, इसका मतलब है कि वही पर वो पड़ा रहेगा सारा दिन भर। नहीं नहीं उसका नहीं मतलब कर रहे हैं तो बेड पे बिस्तर पर रख दिए, रख के थोड़ा सा इधर उधर गए, फिर वो याद पड़ा तो उठा के दूसरा टांग दिए, मतलब कहीं लटका दिए। नहीं वैसे भी नहीं रख सकते बेड में, मैं बेड में कैसे रख सकता आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं मान लीजिए जब कर रहा हूं, जब करते 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 देखा कि मेरा लैपटॉप एकदम हैंग हो जा रहा है, या किसी का फोन आया है और फोन आया वीडियो कॉल आ रहा है, तो भी उसको दो हाथ का जरूरत होता है, तो भी बेड को वो माना को यहाँ पे रख दिया, वीडियो कॉल को अटेंड किया, बात किया, फिर तूने उठा लिया। और ऐसे में अगर अच्छी तरह रखना है तो आपको टेबल में रखना है, लटका के नहीं रखना है माला को, ऐसे घूम पे कैसे करना दिखा रहे। ये देखिए ये माला है, ये माला है ठीक है, कैसे करके जैसे मान लीजिए यहाँ पे कांटी क्या बोलते हैं स्क्रू क्या है खूंटी, तो ऐसे इसको लटका के ऐसे नहीं रखना चाहिए खूंटी को, खूंटी में इसको ऐसे कीजिए, ऐसे करके बांधिए, बांध के ऐसे करके रख दीजिए, रख दीजिए टेबल में ठीक है। अगर ऐसे करके इसको झुला के रखेंगे तो भविष्य में जीसस क्राइस्ट के तरह हम सबको भी झुला के रखेंगे जमराज, ठीक है। ये सब पता नहीं है पर हाँ नहीं इसीलिए विधि को सीखना, माला तो आदमी जाप जाप तो कर रहा है 16 माला, लेकिन ये सब छोटा छोटा बात माला के लिए नहीं मालूम नहीं है, इसीलिए तो मैं प्रश्न करने के लिए बोलता हूँ माता। ये क्लास सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास का ही प्रश्न होगा, भीष्म देव खाए कि नहीं, वो रोटी खाते थे या चावल खाते थे, ये सिर्फ भीष्म देव के लिए प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारी आध्यात्मिक इनक्यूरी जिज्ञासा के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और है प्रभु जी, ये माला हम कर रहे हैं करते 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 वे मतलब उसको पूरा राउंड कर दिए, और फिर वहां से हम थी उसको ये कर दिए, तो भी वहां अगर जो रख दिए, रखने के बाद फिर दोबारा हम किए तो वे तो याद नहीं है कि फिर हम वहीं से शुरू करें, तो आपको पहले से एक नंबर से शुरू करना अगर याद नहीं है तो नहीं, तो वे तो हो जाता है, लेकिन माला के जब जाप करिए पूरा 108 जब माला कर लिए तो फिर वहां से फिर लौटना है ना, वैसे लौटना है ना। हाँ जैसे एग्जांपल बता रहे, मान लीजिए आप बैंक में गए हैं, आप पैसा गिन रहे 1 2 3 4 5 सौ का नोट है गिन रहे हैं, और आपका मोबाइल टिन 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 फोन आया, अरे क्या रे, अरे कहां तक गिना था, पुनः 1 2 3 4 5 7 ओ प्रमोद जी कैसे हैं? हाँ भाई ठीक है, आप कैसे हैं? कब आए बोकारो? अरे कहाँ तक गिने थे, फिर एक से 1 2 3 4 तो विषय वस्तु क्या है, अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से चालू करना है। अगर आपको याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 हाँ प्रमोद जी 13 हाँ हाँ बोलिए 13 बोल कितने दिन जमशेदपुर गए थे, अच्छा अच्छा 13 14 15 तब आप वहां से आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं प्रभु जी वो याद नहीं है, हाँ ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जैसे कि एक से लेकर के 108 तक हम गिन रहे हैं, तो 108 जब पूरा हो गया जो वो क्या त्रिपुंड बोलता है ना, वहां से फिर हमको वापस से आना है ना, तो वापस उसी उसी मतलब ये कतार से ना आएंगे, उसी में आएंगे ना अंदर। आपके पास ये नहीं है क्या, ये साक्षी माला नहीं है, ये वाला साक्षी, ये साक्षी माला नहीं है जी प्रभु जी, वैसा तो नहीं है। तो आपको पता कैसे चलता है कि आप 16 माला जप किए हैं? ये है ये, अरे वो ये तो मेरे पास भी है, वो तो है, वो देखिए वो तो है बड़ा वाला, ये तो 108 दाना का है जी, तो ये क्या है, एक साक्षी माला होता है रे माँ, ये देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक माला किया तो ये एक खंसा दिया, दो माला किया ये मतलब 108 मतलब एक माला, 108 किया
हीर 108 किया दो माला, हीर 108 किया ऐसा नहीं है। अच्छा विभा माता जी आपके पास भी नहीं है साक्षी माला? साक्षी माला नहीं है तो लेना पड़ेगा, सेंटर जाइए, एक दिन सेंटर जाना है, इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन सेंटर में जाके वहां पे बोलना है मुझे साक्षी माला के साथ एक माला दीजिए। माला तो ऑलरेडी है आपके पास, साक्षी माला लेंगे 5 रुपया लगता है उन्हें साक्षी माला, ठीक है, ओनली 5 रुपीज। तो साक्षी माला लेना है, उसमें 16 माला रहता है, 16, तो वो सब कुछ बता देंगे प्रभु जी आपको। राकेश कुमार राय प्रभु जी भी नहीं बताए कुछ? राकेश कुमार राय प्रभु जी कैसे जप करते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं मायापुर आए थे, मैं तो कोई पूछा भी नहीं, मैं सोचा कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। प्रभु जी आप कैसे माला जप? ओ अभी तो आप गाड़ी में है, गाड़ी में है, नॉट पॉसिबल। हाँ हाँ जी प्रभु जी करते हैं जी, माला से करते हैं, साक्षी माला है गली में लगा हुआ है, तो साक्षी माला अगर है तो साथ ही साक्षी माला, तो इन लोगों को भी दे देना साक्षी माला जिस जिसके पास नहीं है। तीन साक्षी माला खरीद के विभा माता जी को दे देना, वो नंद किशोर माता जी को देंगे, प्राण मोहन प्रभु जी को देंगे, ठीक है? हेलो ठीक ठीक है हाँ। और विभा माता जी के लिए टोटल 3-4 पीस ला देना है, 5 रुपया करके लगता, 5-4 20 रुपए में 4-5 पीस आ जाएगा साक्षी माला, नहीं तो प्रभु जी हाँ मेरे पास है। अच्छा आपके पास है, अच्छा ठीक है, जिसके पास है वो तो है ही, जिसके पास नहीं है वो ले लेंगे, तो ठीक है माता जी, क्या बोलते हैं नंद किशोर माता जी आपको मिल जाएगा साक्षी माला, चिंता मत कीजिए, ठीक है, फिर सिखा देंगे जब मायापुर आएंगे तो अच्छी तरह शुद्ध नाम सिखा देंगे कैसे नाम जप किया जाता है। ऐसे और एक चीज बता रहे अभी, ये देखिए ये जो है सुमेरु, यहां से हम चालू किए जप करते करते, जप करते करते ऐसे करके, ऐसे करते 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 आपका 108 आ गया, 108 करते यहां तक आ गए, यहां से शुरू किए थे यहां तक आए, तो यहां तक आने के बाद आपको अभी पीछे मुड़ के नहीं आना है, पीछे नहीं लाना है, अभी क्या करना है यहां तक आ गए तो इसको इस तरह घुमा देना है, इसे घुमाना, समझ गए, इस तरह घुमा देना, फिर राइट से ही चलेगा घड़ी का कांटा की तरह, घड़ी का कांटा जब ऐसा होता तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी इधर से भी चलता, नहीं इधर से ही चलता नहीं, पर ऐसे तो करते हैं वैसे ही करना है, यहाँ तक आएंगे ना तो इसको घुमा देना है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके पीछे पीछे करके मत गाड़ी को घुमाना है, नहीं नहीं वैसे नहीं करते हैं, वैसा ही करते हैं, आप जैसे बता रहे हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है, तो चलिए माता जी इस प्रकार कुछ भी ये हो विभा माता जी से पूछ लेना है, मुझे पूछ लेना, लक्ष्मी को फोन करना है, कुछ भी समस्या हो, ठीक है, सभी को बोल रहे हैं हम, तो आप एक वीडियो बना सकते हो, छोटा वीडियो सब बना हुआ है, सब कुछ है, चैंटिंग कैसे की जाए सब कुछ है संसार में, जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करना है, तो ठीक है भक्तगण, आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, 5:30 बज गया, बड़ा दिन शुरू हो गया ना इसीलिए 5:30 बजे कर दिया, बड़ा दिन कब से शुरू होता, जनवरी का 25 को बाबा, अभी तो 10 जनवरी है, चलिए हम लोग आधा घंटा के क्लास एक्सटेंड इसीलिए कर रहे क्योंकि हमारे प्रमोद प्रभु जी वो लेट में आते हैं, वो सारा दिन भर बेचारा खाट के आता है और थोड़ा सा भी अगर कटता ना सुनने को मिला जाए तो क्या लाभ है, इसीलिए उनके लिए आधा घंटा बढ़ाते हैं, अन्यथा 5 बजे ही तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। गीता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।